पूरा जंगल में यहाँ पे इस देखो, आंखों में भी बर्फबारी। ये देखिएगा छाता, देखिए ठुनिया भाई का एकदम पैकअप हो चुका है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सभी का। होप सभी बढ़िया होगे, अच्छे होगे। सो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज फाइनली वो दिन आ ही गया है जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था और सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो फाइनली पहला स्नोफॉल 2024 का आज हमें देखने को मिला। तो उम्मीद से जैसी उम्मीद थी वैसा स्नोफॉल तो नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन स्नो लगातार गिर रही है। तो उम्मीद है कि अच्छी स्नो पड़े इस बार। तो ऐसा कुछ भी हुआ है सुबह सुबह का, और ये देख सकते हो लगातार बर्फ़ गिर रही है। और मैं था अपने कज़न के घर और अब जा रहा हूँ अपने घर। तो ऐसा कुछ व्यू है, और ठंड है ना भाई, एकदम बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। अभी लाइव चले थे ना। अच्छा हाँ, और ये हमें रास्ते में यहाँ पे दो मुसाफिर मिलते हुए छतरी के साथ। तो अब बहुत ही खतरनाक बर्फबारी होती हुई। ताजा छतरी भी नहीं है, ठुनिया भाई जी हमारे साथ छतरी लेके आए। और तुम्हारे को छतरी दे रहा हूँ और तुम ले नहीं रहे, तो मेरी क्या गलती है इसमें? इसमें कितने आएंगे देखिएगा, छाता देखिए ठुनिया भाई का एकदम छतरी मिनी साइज का। इन्हें अपने साइज का छाता लाना चाहिए था। ये देखिए इनका, और मैं सबको दे रहा हूँ और ये ले नहीं रहे, तो मेरी क्या कर रहे गलती इसमें? देखो आंखों में भी बर्फबारी, बॉर्डर तो है क्या 1 फुट ना। तो अब यहाँ से घर को निकलते हुए, और स्नोफॉल है ना जो तकड़ा स्नोफॉल हो रहा है। जितनी उम्मीद थी उतनी स्नो तो नहीं पड़ी रात को, बट अभी भी लगी हुई है बर्फ। और उम्मीद करते हैं और ज्यादा बर्फ गिरे, 2-3 फुट पड़े और हम भरपूर आनंद ले पाए उसका। तो मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट सर रुकिए रुकिए, वेट। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहाड़ी ट्रेडिशन में यहाँ पे इसे बर्फ में यूज किया जाता है। और ये वुलन स्टफ होता है, एकदम भेड़ बकरियों के बालों से बनता है, बहुत ही गर्म होता है ये, और इसको हम बर्फ में यूज करते हैं। और ये देख सकते हैं राहुल जी अपना सुथण आज अपने साथ नहीं लाए है, ये बिना सुथण के ही चले हुए। बर्फ नहीं गिरेगी इसलिए हमने घर में रखा हुआ पड़ा। कल हम शिकार पे जाएंगे तो जी बिल्कुल, कल हम काकड़ का शिकार करने भी जाएंगे, लेकिन ऐसी बर्फ में मुझे नहीं लगता कि कोई शिकार हो सकता है क्योंकि बर्फ बहुत ही कम है इस बार। थोड़ा सा जैसे घर पहुंचा उसके बाद बर्फ बहुत तेजी से गिरना शुरू हो गई थी, और ये था अल्टीमेट व्यू। जैसे ये चिड़िया उड़ी, क्या अल्टीमेट व्यू आया था भाई, बहुत अच्छा शॉट कैप्चर हुआ था। जो स्नोफॉल हो रहा है 2024 का, क्या कहने के दो शब्द, सुबह चले गए हैं पाला ही पाला रह जाएंगे हम घिसनांटी देने जाएंगे। अच्छा घिसनांटी देने का आपको बहुत शौक है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। चिड़िया देखो, बर्फबारी हो रही है, बहुत खतरनाक बर्फबारी। और ये है पहाड़ी हीटर, ये पूरे किचन को गर्म कर देता है जब ये पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, गर्म होता है उसके समय बहुत गर्म फैल जाती है। हम जैसे नीरूभाई बैठ रहे वहाँ, वैसे मैं भी बैठता हूँ, मुझे जब मेरे को ठंड लगती है तो मैं वहाँ बैठता जहाँ नीरूभाई बैठे। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं आज हो रही है बर्फ, सुबह के लिए इसमें हो जाएगी बहुत बर्फ। और उधर देखिए, सो गाइस वेदर दिखाऊं मैं आपको, वेदर बहुत ही प्यारा और पूरा जंगल बर्फ से एकदम ढक चुका है। अल्टीमेट व्यू ये देख सकते हैं आप,
पैकअप हो चुका है और ये मेरे को लग रहा है कि आई थिंक एक फुट से थोड़ा कम कप में, और अब लगभग पैक हो चुका है पूरा ही। तो इस स्नोफॉल का बहुत देरी से वेट कर रहे थे सभी, क्योंकि सेब के लिए भी अच्छा हुआ और लास्ट ईयर भी थोड़ा स्नोफॉल कम ही हुआ था, तो ये स्नोफॉल बहुत ही तगड़ा हुआ भाई।